मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं न्यूज। और न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं शो #बॉलीवुड। और इस प्रोग्राम में हम आप सभी को अपडेट करवाते हैं बॉलीवुड की टॉप चटपटी मसालेदार खबरों के बारे में। तो क्या खास है आज #बॉलीवुड में? सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से माधुरी दीक्षित ने कलंक प्रमोशन के दौरान याद किया श्रीदेवी को और हो गई इमोशनल। और उसके बाद बात करेंगे सलमान खान की दबंग 3 को लेकर है लेटेस्ट गॉसिप। जी हाँ, अगर मलाइका अरोड़ा नहीं है इस बार आइटम नंबर में, तो आखिरकार कौन सी एक्ट्रेस ने किया है मलाइका को रिप्लेस? उसके लिए आपको नजर डालना पड़ेगा हमारे इस खास रिपोर्ट पर। माधुरी जी, वी हैव टू आस्क यू, व्हाट ड्रू यू टू कलंक? व्हाई, व्हाट मेड यू से हाँ ये इसमें मुझे काम करना है? Well, a lot of things happened. You know, Sri Devi was supposed to do this role. Sriji was supposed to do it, and you know, she passed away. And then they came to me and they said, you know, please do this role, ma'am. So so I listened to it, and I think it was a very emotional thing for me because you know, with Sriji, it has been a long. We've not been like been associated all the time. You know, ever since my career started, and there was always an association in some way or the other between us, whether it was comparison or whether it was, you know, saying that these are the two headliners for women in the industry, or you know, those. So it was a very emotional point for me, and I thought, okay, why not? You know, it's a great script. We have Varun and Alia and Aditya and everyone in the film. I thought it would be a great role. Also, Bahar Begum, uska jo role hai, she is a very recluse kind of a person, and very different from the roles I've portrayed so far. And she always holds the cards very close to her heart, and she never really gives in to anyone. And she's quite, because some things that she, some decisions that she took in her life were like, maybe she regrets them or whatever, but that's the way she is. And I thought it was very intriguing. The character is very intriguing in the movie. सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म भारत की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और अब दबंग 3 की शूटिंग कर रहे हैं। और ये साल 2010 में रिलीज हुई सलमान की फिल्म दबंग की तीसरी सीरीज होगी। फिल्म का निर्देशन प्रभु देवा कर रहे हैं और सलमान फिर से एक बार पुलिस ऑफिसर चुलबुल पांडे के किरदार में नजर आएंगे। पिछले दोनों पार्ट्स की बात करें तो दोनों में ही आइटम नंबर था। दबंग 1 में जो आइटम नंबर था वो मलाइका अरोड़ा सॉन्ग मुन्नी पर फिल्माया गया था और ये गाना खूब पसंद भी किया गया। इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ जिसमें करीना कपूर खान पर फेविकोल से सॉन्ग शामिल किया गया। सेकेंड पार्ट का आइटम नंबर भी दर्शकों को काफी पसंद आया। अब खबर है कि तीसरे पार्ट में किसका आइटम नंबर डाला जाएगा। तो आपको बता दें, फिल्म के थर्ड पार्ट के आइटम नंबर को लेकर जिस एक्ट्रेस की बात सामने आ रही है उसमें अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। खबरों की माने तो उसमें सनी लियोन और मोनी रॉय के नाम पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सलमान खान पर्सनली चाहते हैं कि मोनी रॉय दबंग 3 का आइटम नंबर करें। तो ये था आज का हमारा खास शो #बॉलीवुड, जहां हमने आपको अपडेट करवाया बॉलीवुड की उन खबरों से जो हो रही हैं सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन आप क्या नया जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट कर बताएं और इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आऊंगी ऐसी ही खास खबरें लेकर। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। टिल देन, बाय बाय।